शिक्षित, क्योंकि एक उम्मीदवार जो होता है उससे जनता की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ जाती है, कैसे दिलाइएगा आप रोजगार? रोजगार आजकल हम खुद बिहार सरकार का जो साइट है, हम अक्सर निरंतर उससे हम नेट के माध्यम से चेक करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं दसवीं पास, इंटरव्यू पास जो होते हैं या जो स्नातक स्तर के जो वैकेंसी आते हैं उससे खुद हम जानकारी देते हैं, कैसे फॉर्म भरना है, उसमें क्या सा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, सारा चीज़ है, तो उसके तहत हम लोग सर, ये तो हो गई कि सरकार के जॉब में आपका बहाली होगा, आप इस फॉर्म को भरिएगा, लेकिन आत्मनिर्भर जो आपने बताया अभी, उससे उसको कैसे बनाएगा युवाओं को और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए? मैं इससे पहले भी कहा था कि जो स्वावलंबी योजना आती है, जैसे मोमबत्ती बनाना, गृहस्थी का काम है, कुटीर का काम है, और भी खिलौना बनाने का काम है, जो उद्योग विभाग से रजिस्ट्रेशन करा के किसी संस्था समूह के माध्यम से होते हैं, उसे जोड़ के उसे स्वावलंबी बना के उन्हें आर्थिक रूप से सबल बनाया जा सकता है। आप युवाओं की बात करते हैं, आप महिलाओं की बात करते हैं, युवा नशा प्लान जैसी बेरोजगारी वाली समस्या से जूझ रहे हैं, महिलाएं आज अपने समाज में बैठी रहती हैं घर का काम करने के बाद, इन दोनों को कैसे मुख्य धारा में जोड़िएगा, इनके रोजगार की बातें कैसे कीजिएगा, कैसे इन लोगों को आगे बढ़ाइएगा? सबसे पहले हमारी प्रत्याशी, हमारी पत्नी नगीना साइन, जो वार्ड नंबर 24 से वार्ड पार्षद के पद के लिए है, सरकार की बहुत सी योजनाएं जो चलती है, जो स्वावलंबी योजनाएं चलती हैं, उन्हें उन घर तक पहुंचाने का काम करेंगे, और जो भी युवा जो नशा के मतलब शिकार हैं या उनके संगतियों का जो असर है, जिससे परिवार, घर, समाज जो दूषित हो रहा है, तो समाज के लोगों के बीच में हम उनके बीच में अपील करेंगे, उनके परिवारों से अपील करेंगे कि जो भी इस तरह का जो वांछित लोग हैं, जिससे हमारा घर परिवार उजर रहा है, उसे समाज से कैसे मुख्यधारा में फिर वापस ला के उन्हें हम लोग स्थापित करें, इसीलिए मिल बैठ के समाज में हम लोग बहुत अच्छे से जो भी योजना है उसके तहत उसे हम लोग विकसित करें। लोकतंत्र के महापर्व में हमारी यात्रा पहुंची है समस्तीपुर नगर निगम। समस्तीपुर नगर निगम की अगर हम बात करें तो 28 तारीख को चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है, और इसी में हमारी कड़ी पहुंची है वार्ड नंबर 24, जिनकी उम्मीदवार है नगीना शाहीन जी, और इनके निवेदक हैं अनस रिजवान साहब। हम इनकी बात अगर करें तो ये लगातार समाज सेवा में बने हुए हैं, लेकिन ये फिर भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समाज सेवा ही राजनीति है, राजनीति में क्यों आए? सबसे पहले आपकी चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे वार्ड नंबर 24 के जनता मालिक हैं, उन्हें हम भरोसा दिलाते हैं कि जो विकास हुए और अभी होने बाकी हैं, इसे हम ज़रूर पूरे नगर निगम में सबसे ऊंची पायदान पर लेकर जाएंगे। और आपने एक बहुत अच्छी सवाल की है, राजनीति में क्यों आए, या राजनीति ही समाज सेवा? तो हम युवा को और युवाओं से अपील करते हैं कि जो भी हमने स्कूल में अपनी पढ़ाई के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में सीखा, और देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़ा, उनकी जीवनी से मैं कुछ अपने क्लास में अपने छात्र जीवन में प्रेरणाएँ ली थी, उससे मैंने समाज और समाज में रहकर अपने आस पड़ोस या पूरे समाज में रह के जो शिक्षा और जो लोहिया का जो सपना था, जो जयप्रकाश का सपना था, उसे पूर्ण करने के लिए हम युवा के बीच में एक गंदी होती भावनाओं को राजनीति के माध्यम से हो या समाज सेवा के माध्यम से हो, अपने आप के कार्य से सबको प्रभावित करना चाहते हैं कि देखिए आज भी हम युवा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सपनों को, लोहिया के सपनों को हम लोगों ने जीवंत रखा है, और उससे प्रेरणा लेकर जो समाज सेवा हम लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें आज अगर कहीं से भी वो देख रहे होंगे तो उन्हें खुशी होगी कि आज हम लोग उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, और हम लोग आगे भी जितने भी युवा हैं उनसे अपील करेंगे ज़रूर अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, लोहिया के सपनों को या उनके जीवनी को पढ़ें और फिर समाज सेवा या राजनीति में उतरें, तो ज़रूर समाज का सर्वांगीण विकास होगा। मतलब आप कहना चाहते हैं कि राष्ट्रपिता जो जिनके बारे में आप गांधी जी के बारे में बता रहे हैं, उनकी जीवनी को पढ़ा और इसलिए आप राजनीति में आए हैं, लेकिन